हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस। दोस्तों आप देख सकते हैं 2023 कॉन्सेप्ट रोल आइसक्रीम मशीन, तवा आइसक्रीम मशीन। लाइव टू लाइव आप अपने कस्टमर को जैसा उसको आइसक्रीम खाना है वैसा है तवे के ऊपर आप बना के लाइव टू लाइव खड़े खड़े आप आइसक्रीम उसको दे सकते हैं। जैसे कि वाटर बेस के ऊपर भी आइसक्रीम बना सकते हो, जैसे थम्सअप, पेप्सी, कोका कोला, माजा है, कोई भी आप ड्रिंक लगा के भी इसका आइसक्रीम का कप या क्यूब बना के कस्टमर को दे सकते हैं। नेचुरल बेस पे चाहिए, जैसे नेचुरल फ्रूट का चाहिए, वाटरमेलन है, बनाना है, मैंगो है, पोमोग्रेनेट है, मौसम्बी है, ऑरेंज है, तो नेचुरल फ्रूट का भी आप आइसक्रीम बना सकते हो। सिंथेटिक भी बना सकते हो, मिल्की आइटम डाल के, इस टाइप का वेल्फी डाल के, चॉकलेट का टॉपिंग डाल के, कॉफी डाल के, डेयरी मिल्क डाल के, डिफरेंट डिफरेंट मोर देन 100 के, 100 के भी ऊपर का वेरायटी आप इतनी सी मशीन से बना सकते हो। तो आज हम आपको वीडियो के अंदर दोस्तों एक छोटी सी रेसिपी बता के दिखाने वाले कि मशीन में कैसे रोल आइसक्रीम बनता है, कैसा क्वालिटी बनता है। एक स्मॉलेस्ट और स्टार्टिंगली रेसिपी हम आपको इसमें से बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये थोड़ा इसका रेसिपी मिल्क पड़ा हुआ है, खाली मिल्क नहीं है, रेसिपी मिल्क है हमारे पास इसका। हम इसका रेसिपी मिल्क थोड़ा इसमें डालेंगे। यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर अब रेसिपी मिल्क डाला है हमने इसके अंदर। उसके ऊपर हम थोड़ा डालेंगे इस टाइप का स्टिक डालेंगे, वेफल स्टिक जो बाजार में मिलता है रेडीमेड, आप देख सकते हैं इस टाइप का वेफल स्टिक है, ये स्टिक डालेंगे थोड़ा। उसके बाद थोड़ा हम डालेंगे इसमें चॉकलेट, हर्शीज का चॉकलेट पड़ा हुआ है हमारे पास, ये हर्शीज का चॉकलेट डालेंगे। इसको अच्छे से हम इस तरह से तवे से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा बाजार में, आपको कॉन्सेप्ट मिलता होगा, लेकिन फॉरेन में कॉन्सेप्ट ज्यादा है दोस्तों, अपने यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होगा। आप देखिए इस तरह से आप इसको अच्छे से क्रश कर सकते हो। अभी हम इसका थोड़ा डीप रोस्ट कर देंगे, जो ये पूरा जम चुका है इसको पूरा पिघाल देंगे। पहले पिघालेंगे तो इससे अच्छे से हम इसको मिक्स कर पाएंगे, इसका प्लेटर बना सकते हैं अच्छे से, जैसा हमारे को प्लेटर बनाना है ऐसा आसानी से इसका रेसिपी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हम पूरे इसको डिफ्रोस्टिंग कर देंगे, इसलिए अंदर जो जमा हुआ है उसको पूरा पिघाल रहे, ये पूरी प्लेट को पूरा जब पिघाल रहे। आप देखिए पूरा पिघल रहा है, पूरा प्लेट, ये पूरा प्लेट को अच्छे से पिघाल रहे। आप देखिए पूरा यहाँ पे बटन दिया गया है, बटन दबाने से पूरा प्लेट पिघल जाएगा। पिघल जाने के बाद इसको अच्छे से, जो हमारे पास रेसिपी पड़ा हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हमारे को जैसा भी हमारा नेचुरल फ्रूट है तो नेचुरल फ्रूट को भी हमारे को क्रश कर देना है इसे। हम देखिए सब जगह भी प्लेटर जमने लगा है, जमना स्टार्ट हो चुका है। इसे अच्छे से आपको पहले पेस्ट करके इसको अच्छे से मेल्ट कर देना है, इसे पूरा फैला देना है हमारे को, जो भी हमने मटेरियल डाला है इसको अच्छे से अपना फैला देना है इसे। आप देखिए पूरा पूरा प्लेटर बना देना है इसका। अब देखिए पूरा प्लेटर हमारा प्लेट यहाँ पे तैयार हो चुका है प्रॉपरली, और हमारे को इसको स्टेप बाय स्टेप निकालना है अंदर से। जो हिसाब से आप कप रेडी करेंगे वो हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हमारे को निकालना है अंदर से रोल बना के पूरा। डिफ्रोस्टिंग का बटन दबाने से ये पूरा नीचे से छोड़ देगा प्लेट। आप देखिए पूरा ये पूरा प्लेट छूट जाएगा और अपना जो रोल फॉर्म में पूरा मटेरियल आ जाएगा। आप देखिए पूरा ये हिसाब से आप पूरा रोल बना के निकाल सकते हो। ये रोल आप देख सकते हैं ऐसे निकाल देना है आपको रोल फॉर्म में, और इसको अच्छे से आपको यहाँ पे कप हमारे पास लिए गए, हम इसका दो पीस करेंगे डबल पीस में। आप कप फॉर्म में ऐसे कस्टमर को सर्विंग दे सकते हो इसे।
या तो प्लेट में दे सकते हो या तो कप में दे सकते हैं। यहाँ पे दूसरा कप है हमारे पास, इसमें एक दूसरा पीस डाल देंगे। ये हिसाब से आप मार्केट में या बाजार में सेल कर सकते हो। उसके ऊपर अलग अलग डेकोरेशन करना है आपको, इस टाइप का टॉपिंग ऐड करना है इसके ऊपर, ड्राई फ्रूट ऐड करना है आपको तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेराइटीज बना के अपने कस्टमर को आप सर्विंग दे सकते हो, कस्टमर को खिला सकते हो। इस तरह की मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।